जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के YouTube चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर आज लेकर आया हूँ आपके लिए CDP जिसका कोर्स कोड है 101, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 2। मैं आपसे बोलूँगा कि आप पहले यूनिट 1 का पार्ट 1 ज़रूर देखें। अगर किसी दोस्त ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप यूनिट 1 का जो पार्ट 1 है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद अगर इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो ये यूनिट 1 का पार्ट 2 जिसमें हम बताएंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। इसका मतलब है वंशानुक्रम और वातावरण का विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी बच्चे का विकास है तो उस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों उसको प्रभावित करते हैं, तो किस तरह से प्रभावित करते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे, साथ ही इन सब जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग भी समझेंगे। तो स्टार्ट है हमारी ये वीडियो। तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का अर्थ, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं एक और बार बताता हूँ। विकास में क्या मतलब होता है? क्वालिटेटिव चेंजेस, दैट मीन्स किसी व्यक्ति के अंदर एक निश्चित समय में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कम फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू जीन्स, वो विशेषताएं जो बच्चों में माता पिता के द्वारा जीन्स के माध्यम से आती हैं उनको हम कहते हैं वंशानुक्रम, ठीक है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज पर्यावरण का अर्थ। अब पर्यावरण क्या होता है उसको हम समझेंगे। पर्यावरण का अर्थ परि और आवरण है। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढकने वाला। इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ये है, जीन्स के अलावा जो चीज किसी पर्सन के ऊपर इफेक्ट डालती है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आई रिपीट, जीन्स के अलावा जो भी चीज व्यक्ति के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑफ ऑन डेवलपमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का विकास पर प्रभाव। तो विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, तो वो लिखे हुए फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास, संवेगात्मक या सांवेगिक विकास। तो इनकी मैं डिस्कशन करता हूँ कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इनके ऊपर अपना क्या इफेक्ट डालते हैं और कैसे कैसे इनको इफेक्ट करते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण का विकास पर जो प्रभाव है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट पर जो उसका इफेक्ट होता है ना वो क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट पर जैसे हाइट, वेट, इसको इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है और हेरिडिटी भी। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो वैसे ही उनके बच्चे होते हैं, तो उनकी हाइट उस पर डिपेंड करती है। कई बार बच्चे के एनवायरनमेंट पर, जैसा वो भोजन ले रहा है तो अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो उसका डेवलपमेंट होगा अच्छा, और अगर डेवलपमेंट नेगेटिव रूप से भी प्रभावित हो जाता है अगर भोजन अच्छा नहीं मिलता। नेक्स्ट इज मोटर स्किल्स डेवलपमेंट, जो शारीरिक विकास के अंदर ही आता है। यानी अगर बच्चे को अपने एनवायरनमेंट में खुद के ऊपर बहुत सारी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने का मौका मिलता है तो बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसके विपरीत भी, अगर नहीं मौका मिल रहा तो उसकी मोटर स्किल्स, भले वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है या फाइन मोटर स्किल्स है, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। तो जैसा पर्यावरण बच्चे का घर में रहता है, बच्चे का जैसा वातावरण घर में रहता है, अगर उसका अच्छा वातावरण है तो वो सबसे घुलने मिलने का उसका मन करेगा, सबसे बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप होगी। अनदर थिंग, सहयोग की भावना उसमें डेवलप होगी, वो सोचेगा कि मैं और अपने दोस्त बनाऊँ। और अगर उसके घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो वो इसके सब अपोजिट कार्य करेगा, यानी कि वो एक दूसरे से बात नहीं करेगा, वो किसी के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसके घर का वातावरण या आसपास का वातावरण ऐसा होगा। नेक्स्ट इज मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब होता है मानसिक विकास। यानी किसी व्यक्ति के या बच्चे के अंदर जो मानसिक विकास है तो उस पर एनवायरनमेंट अपना इफेक्ट डालती है और साथ ही हेरिडिटी भी डालती है। जैसे बच्चे की थिंकिंग स्किल्स कैसी है तो उसके ऊपर उसकी हेरिडिटी का वो इफेक्ट रहता है।
और जैसे अगर पेरेंट्स है, अगर वो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं कोई बच्चा, तो उनके अगर पेरेंट्स अच्छे अच्छे उस पर है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग स्किल्स अच्छी होगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, उनका मेंटल डेवलपमेंट बेहतर होगा एज कम्पेयर टू उन बच्चों से अगर कंपेयर करा जाए जो दूसरे बच्चे होते हैं, तो उनसे अच्छा होगा। नेक्स्ट इज उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज़्यादा पाई जाती है, और थिंकिंग स्किल का मैंने बताई थी वो भी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। तो जो हेरिडिटी है तो वो नैतिक विकास को पूरी तरह प्रभावित करती है। घर का वातावरण बच्चे का जैसा होगा, आसपास का वातावरण जैसा होगा, जैसे उसको शिक्षा दी जाएगी, अगर उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो उसका मॉरल डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में जाएगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर बच्चा अपने घर के आसपास देखता है कि कोई चोरी कर रहा है या कोई आसपास कुछ भी कोई अवैध कार्य कर रहा है, तो वो बच्चा उन्हीं कार्यों में लिप्त हो जाएगा, तो अपना उसका जो मॉरल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। तो जिस बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है स्पोर्ट्स का या फिर कोई और एक्टिविटीज़ करने का, तो उसके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़्यादा पावर होती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। और अगर ये इमोशनल डेवलपमेंट हेरिडिटी से भी अफेक्टेड होता है, अगर हेरिडिटी मतलब अगर जो उसके पेरेंट्स हैं उनका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो वो घर में भी ये चीज़ सीखता है, और एंड देन तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो आपका डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा देना, तो उससे आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।